अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद के एक जवां साल उभरते हुए सियासतदान, जो बहुत खुश गुफ्तार भी हैं, जिनके वालिद साहब फैसलाबाद के मुमताज़ सियासतदान भी हैं, ताजर लीडर भी रहे, MNA भी रहे, मियाँ अब्दुल मनान। उनके साहबजादे हैं मियाँ इरफान मन्नान, एक बार इलेक्शन लड़ा, वाइस चेयरमैन वासा रहे, अब फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। आइए मिलते हैं। मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम शुक्र और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। मियाँ अब्दुल मन्नान साहब से तो रابطہ भी रहता है, उनकी पॉलिटिक्स का एक ज़माना मोतरफ है, उनकी वो ट्रेड पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की कौमी सियासत में उनका हिस्सा हो, एक बहुत बड़ा नाम है, आपसे भी रابطہ रहता है। आप माशाल्लाह उभरते हुए सियासतदान हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और अभी हमें ये बताइए कि व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि मियाँ अब्दुल मनान साहब के साहबजादे मियाँ इरफान मनान, जो ख़ुद भी पॉलिटिक्स में गहरी दिलचस्पी लेते हैं और उनकी बड़ी नपीतुली राय होती है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपने बचपन, लड़कपन, जवानी और शादी तक के हालात, क्योंकि पहले हिस्से में हम यही पूछते हैं, फिर सारा दिन आपके साथ हैं, बातें होती रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, जो है बचपन बटाला कलोनी में गुजरा, तालीम जो है मैट्रिक तक वो मैंने लासाल हाई स्कूल से हासिल की, और उसके बाद जो है मैं एयरफोर्स में SGT पायलट सेलेक्ट हो गया, और उस वक़्त 91st GTP एयरफोर्स का कोर्स चल रहा था, और JCB अकेडमी का कोर्स चला गया। और आपको मालूम है, व्यूअर्स को शायद सबको ना पता हो कि मैं मियाँ मनान साहब का अकलौता बेटा हूँ, तो एक जो वाबस्तगी वालदा के साथ, वालदैन के लिए तो औलाद सारी एक जैसी होती है, मगर जो एक होता है वो बड़ा लाडला, और वो जो है बहुत ज़्यादा एक अपने जैसे परों के नीचे वालदैन लिए रखते हैं, तो मैं भी उसी तरह था बचपन में। मगरब की नमाज के बाद इजाज़त नहीं थी कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, मगरब की नमाज के बाद वाले साहब का हुक्म था कि आपने घर पहुंच जाना है, तो वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से एयरफोर्स के अंदर मेरे इंजरी हो गई ड्यूरिंग ट्रेनिंग, फिर मुझे छोड़ के आना पड़ा, फिर मैंने इधर अपनी प्राइवेटली इंटरमीडिएट भी किया, ग्रेजुएशन भी की, और क्रिकेट का बड़ा पैशन था, स्कूल की क्रिकेट टीम के अंदर बतौर वाइस कैप्टन खेला हूँ, लासाल के अंदर मैचेस खेलने के लिए लासाल मुल्तान भी जाते रहे हैं, टूर्नामेंट DPS के साथ। उस वक्त यही स्कूल होते थे जब जो लोगों ने 87 के अंदर मैट्रिक किया है, तो लासाल वाज वन ऑफ द ब्रांड एट दैट टाइम, तो ज़बरदस्त किस्म की उस वक्त स्कूलिंग थी, मियार बहुत अच्छा था, और उन्होंने प्रॉपर जो ग्रूमिंग वाला स्टूडेंट्स के अंदर जो एक अंसर होता है वो नज़र आता था लासालियंस के अंदर, तो वो बचपन बस ऐसे ही जैसे लोगों का बचपन गुजरता है वैसा ही गुजरा, खेलने कूदने में वक्त बहुत गुजारा। मियाँ साहब एक दबंग सियासतदान ही नहीं बल्कि एक बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जो जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि एक तरफ वो दलाइल के अंबार लगा देते हैं, तो कई दफ़ा उनके लहजे में बड़ी सख्ती, और यूँ लगता है कि बच्चे उनके काफ़ी उनसे डर के रहते होंगे, तो घर में कैसा उनका रवैया होता था, और अगर वो एक सख्त बाप थे तो फिर वो सख्ती आपकी तबीयत में दर आई होगी? डॉक्टर साहब, जो बात आपने सख्ती वाली की, मेरे वालिद साहब का एक तो बड़ी हमने सब ने बड़ी एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, थोड़ी सी तबीयत उनकी सख्त थी, मगर वो सख्ती जो थी वो बेजा नहीं थी, वो हमारी ही जो बच्चे हम गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ होती हैं उस हवाले से थी,
और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो सख्ती है वो घर के अंदर जो है वो चार दीवारी के अंदर वो वाला मामला इतना नहीं होता। मगर एक जो बात जो बड़ा सच्चा और दबंग आदमी होता है ना, जो उसके पेट में होता है वो उसकी ज़बान पे होता है, और ना उनको वो लगी लिपटी बात करनी आती है, आप बाखूबी आगाह हैं, ना कभी उन्होंने कोई बना के या कोई ऐसी बात की है कि अगला बंदा फील करे कि ये पता नहीं कॉस्मेटिक किस्म की जो गुफ्तगू है। तो वो बड़ी बोल्डली बात करते हैं, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जो है अभी उनके साथ जो है ऑब्वियसली सियासत मियां मनान साहब की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो वाबस्तगी है उसको तकरीबन 2.5 से 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं। तो मैं उनका वर्कर बन के भी उनका जो है सियासी तौर पे उनको छोटी मोटी मशवरा भी देता हूँ, और अभी सियासत चेंज हो गई है, सियासत के जो डायनामिक्स है जब से ये सोशल मीडिया आ गया है वो वाली अब जो चीज़ थी वो वाली शायद लोगों को वो इतनी पसंद नहीं है। अच्छा जी, बताइए कि शादी आपकी कब हुई और इसमें क्या आपकी पसंद का अमल दखल था? डॉक्टर साहब, मेरी शादी 95 में हुई, और जो रूटीन के हमारे मुआशरे में चलता है कि जी वो रिश्ते करवाने वाले आते जाते हैं, तो मेरे फूफा जान, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, चौधरी खादिम रसूल साहब, रेलवे रोड पर वो दुकान करते थे, क्लाइमेक्स के डीलर थे, तो उनके पास वो रिश्ता कराने वाला आया। ये फैमिली मेरी जो मेरे इन लॉज हैं ये ब्रिटेन में सेटल थे, और शायद वो 4 महीने पहले पाकिस्तान वापस आए थे, और वो रिश्ते में आया, और मेरे वालिद साहब गए हैं, और कोई लंबा चौड़ा डोगर साहब मेरे वालदा ने रिश्ते नहीं देखे। पहला रिश्ता देखा मेरे वालिद ने, मेरी वालदा साथ गई हैं जो हमारे मुआशरे में रिवाज है, और मेरे वालिद साहब ने जब मेरी बेगम को देखा तो उन्होंने उसी वक्त मेरी बेगम को प्यार दे के, तो उन्होंने एक जो जुमला कहा वो आज भी मेरे जहन में स्ट्राइक करता है। उन्होंने कहा मैं आप धियाँ आला, मैं किसी की धी नूं इस गल के नहीं कह सकता, ना नहीं कह सकता कि कोई किसी किस्म की कमी कुताई है। तो अल्लाह सल्लाह ने करम किया और एक ऐसा शरीक हयात दिया कि आप 95 से लेके आज तक देख लें कितने साल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला का को ख़ास करम था मेरे ऊपर कि इस तरह का जीवन साथी मिला कि ज़िंदगी जो है वो सही मानों में जो आप कह सकते हैं ना कि पुरसकून ज़िंदगी, अल्लाह के फजल से वो मैं गुजार रहा हूँ। ये बताइए कि आप क्रिकेट से, आपने कहा बहुत दिलचस्पी थी, इमरान खान बहसीत सियासतदान तो आपको बहुत बुरे लगते होंगे, तो बहसीत क्रिकेटर कैसे लगते थे? जी, बहसीत क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान का एक आइकॉन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो आइकॉन उस वक्त तक था जब तक वो 90s के अंदर जब उन्होंने क्रिकेट खेली है और 92 का वर्ल्ड कप लेके आए हैं, उस वक्त तक तो इमरान खान बतौर क्रिकेटर ही वॉज इंस्परेशन फॉर द यूथ और फॉर द क्रिकेटर्स, मगर जब वो सियासत में आए हैं तो वो 92 का वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान के गले का फंदा बन गया, और अभी जो आपने हालात देखे हैं जिसका पूरे पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ रहा है कि पहली दफ़ा 4.25 साल जो उन्होंने हुकूमत की है उन्होंने लोगों को कानों को हाथ लगवा दिया। जी, नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं मियां इरफान मनान साहब की फैमिली है, वालदा मोहतरमा हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, उनके अजीज़ हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, बड़ी खूबसूरत पॉलिटिकल फैमिली जो सही मानों में जिनकी रग रग में नस नस में सियासत समाई हुई है और आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। आज कुछ जानेंगे इरफान मनान साहब की शख्सियत के बारे में, माँ से ज़्यादा बीवी से ज़्यादा कौन जानता है, ज़ाहिर है बहुत सारा सच तो सामने नहीं आ सकेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। वालदा सभा से आगाज़ करते हैं, बताइएगा जी इरफान मनान आपके अकलौते साहबजादे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा अकलौता बेटा है, मेरी जान से भी प्यारा है, माशाल्लाह बहुत काम करता है, लविंग है और माँ का बहुत ध्यान रखता है और बाहर लोगों का भी ख्याल करता है। हल्के में अच्छा था, इसका बचपन बहुत अच्छा था। शरारती थे या संजीदा? नहीं, शरारती नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, संजीदा था, हिसाबी किताबी बहुत था। जब मैं कभी शॉपिंग करने जाऊं तो पूछता था कितने माँ पैसे खर्च के आई हो, तो साफ करता था।
बहुत। चलिए मतलब एक चेक एंड बैलेंस तो रखता था। चेक एंड बैलेंस रखता था। तो खेल कूद भी करते थे? खेल कूद, खेल में बहुत शौक था इसको, क्रिकेट का शौक था फिर वो। अच्छा, ये जिस दौर में इनको क्रिकेट का शौक था, आपको भी अगर थोड़ी सी दिलचस्पी है तो ये किसको पसंद करते थे, कौन सा खिलाड़ी इन्हें बड़ा पसंद था? ये खुद ही खेलते थे, खिलाड़ी का पता नहीं कौन सा पसंद था या नहीं। तो ये बताइए कि जो मियां अब्दुल मनान साहब की जो एक रोब दाब है उनका, और जो उनकी पर्सनैलिटी का एक वो दबंग वो है, वो बाहर है, घर में नहीं है। अच्छा, बाहर आपकी मानी? अब बिल्कुल। तो सास बहू का जो ताल्लुक है बेटियों जैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियों जैसा है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मियां इरफान मनान साहब की अहलिया मोहतरमा से जानते हैं, कुछ बातें उनसे भी पूछते हैं। इनकी कोई ख़ास ऐसी बात जो बॉन्डिंग में आपके वो समिति को सबसे मजबूत एक एलिमेंट है? ऑब्वियसली जैसे मैं इंग्लैंड से आई हूँ, कितने 27 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ रहती हूँ, तो जब भी कोई मुझे पूछा हाय इतनी देर हो गई आप कैसे रह रही हो इधर, मैंने कहा मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनका सपोर्ट बहुत है, और इन लॉज भी माशाल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम यूके, एक डिफरेंट फ्रीडम वाली वो कंट्री, जैसे इधर आके रहना, ऑब्वियसली पॉलिटिकल फैमिली है थोड़ा सा है, यू हैव टू बी केयरफुल कहाँ जा रहे क्या करे, हर वक्त लाइमलाइट में रहते ही है ना। मैरिज इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और जब आप एक पॉलिटिशियन से शादी कर लेते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू डू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद एंड यू हैव टू सपोर्ट देम। और ये बीवी सपोर्ट करेगी तो फिर मियाँ के लिए भी आगे सक्सेस है। अच्छा, ये बताइए कि मियाँ अब्दुल मनान साहब जो आपके ससुर हैं, फादर कह रहे हैं, ससुर नहीं। ओके ओके ओके। वो गए थे सबसे पहले, उन्होंने आपको देखा और बेटी बना लिया। हाँ। उनके साथ आपका रिलेशन केयरिंग है? हाँ जी, रखते हैं बहुत अच्छा। उन्होंने कभी आज तक मुझे कभी कुछ भी नहीं कहा, बस बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। जब भी डैडी गए थे मुझे देखने, पहली नज़र से पसंद करके आए, वो अभी भी कहते हैं मैं पसंद करके आए उसको, मैं इसको लेके आए। और जब भी कोई आता है वो ये नहीं कहते मेरी तीन बेटी हैं, मेरी चार बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनकी कोई ख़ास बात जो कभी गुस्सा भी तो आता होगा ना आपको, इरफान साहब को, आपको इन पे, और और कभी इनको आपको? नहीं, शुरू शुरू में था कि ऑब्वियसली डिफरेंट एनवायरनमेंट थी, कहीं जाना था, वो कहीं मीटिंग्स आके नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आदत पड़ गई और वी गॉट यूज्ड टू इट नाउ। क्या आदत पड़ गई, ऑब्वियसली वो भी एक है, उनकी एक लाइफ है, फैमिली लाइफ एक लाइफ, मेरे लिए तो वो मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चों के फादर है, एक बेटा है घर में, सियासतदान तो वो बाहर है ना, घर में नहीं, पॉलिटिक्स। फारूक साहब, आपका भी माशाल्लाह इनसे वास्ता पड़ता है, रिलेशन जो है, इसमें क्या कहेंगे इनकी शख्सियत के बारे में? इरफान भाई मोर देन अ ब्रदर टू मी सर, और माशाल्लाह हर जगह पे सपोर्टिव, हर लिहाज से सपोर्टिव हैं, और इनकी पर्सनालिटी में ये है कि कभी इन्होंने किसी को नेगेटिवली एक्ट नहीं किया, हमेशा उसको पॉजिटिवली ही एक्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं, और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके चला जाए। मियां साहब, आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ क्या है, क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि आपकी मजबूती है, जिस पे आपको फ़ख्र हो कि आपकी फैमिली की ये चीज़ें बहुत अच्छी? सबसे बुनियादी जो चीज़ है ना, जो बॉन्डिंग है फैमिली के अंदर, मैं समझता हूँ वो जो पिलर है बॉन्डिंग का, वो मेरी मदर हैं जी, और माँ की जो तरबियत है और माँ का जो घर में किरदार है, वो तमाम माएँ जो हैं वो माशाल्लाह से वही किरदार अदा करती हैं जो मेरी वालदा मोहतरमा अदा करती हैं। और घर के अंदर जो है सबसे जो बुनियादी चीज़ है, कभी अल्लाह का करम है, शुक्र है, मैंने कम से कम अपनी ये जो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर वो सास बहू वाला चक्कर नहीं देखा। गुड। और मेरे वालिद साहब जो हैं मेरी बेगम को बेटी, बड़ी बेटी कहते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से घर के अंदर कभी भी कोई हो जाता है, घरों में हल्की फुल्की वो खटखट हो जाती है, मगर अल्लाह का शुक्र है हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ ये चीज़ घर में नहीं है अभी तक। बच्चे कितने माशाल्लाह? बच्चे डॉक्टर साहब मेरे तीन हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये बचपन से ही अब खाने की मेज़ पर बैठे हैं तो पता तो चले ना कि बचपन से ये इतने फिट और स्मार्ट कैसे हैं, ये खाने कम खाते हैं? बहुत थोड़ा, बचपन से ही? बचपन से
मैं ज़बरदस्ती इसके मुंह में डालती थी ये फ्राई अंडा, जब स्कूल जाता था ना चमचियों के साथ इसके मुंह में डालती थी। कभी इसने सॉक्स से नहीं पहनी थी, खुद पाँव आगे कर देने पे ना देने जूते उतार दिए नाज वाला वाला। अच्छा आप बताइए जी कि आजकल इनका खाने पीने का क्या मतलब, ये कम खाने की वजह से स्मार्ट हैं या नहीं? कम ही खाते हैं वैसे, और ये बीच में स्नैकिंग वगैरह नहीं इनको पसंद, सुबह बस। और आमतौर पर इनकी क्या फरमाइश होती है घर में कि क्या पकाया जाए? क्या पकाया है इनको? चने चावल पसंद है, और फिर पाए पसंद है, मिल्क शेक पसंद है ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा कभी आपकी हेल्प भी की इन्होंने बनाने? नहीं। ये मुझे लगता पाकिस्तान में रिवाज नहीं। शायद इंग्लैंड में होते तो हेल्प कर लेते। अच्छा ये बड़ा एक अहम सवाल है आपसे भी और इनसे भी कि हमारे यहाँ मतलब ये अजीब एक बात है, वैसे तो अच्छी बात माजी में ऐसे ही होता था, लेकिन मुझे बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई कि आज के दौर में भी बाप अपनी बहू पसंद करके लाते हैं। तो जब शादी हुई तो इनको कोई पछतावा तो नहीं हुआ? या आपको नहीं? अब हमने भी अपने बेटे की हम भी पसंद खुद करके आए हैं। अच्छा हाँ जी, इस ये एरिया में 2022 में 2022 और हमने पसंद किया। आपने जब पहली दफा देखा तो पसंद तो मियां साहब करके आए थे ना अपनी बहू? जी बिल्कुल, वालदा ने और वालिद साहब ने, और इन्होंने कहा कि जी ये हम पसंद कर रहे हैं, तो मेरी वालदा को मैं हम वालदा को बेटे की चॉइस से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता था। तो मैंने शुरू से ही जो है, जैसे वो स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं तो जो शॉपिंग करनी वो वालदा ने ही करनी, वालदा को पता था कि मेरी चॉइस क्या है। तो उन्होंने जब पसंद की और कहा कि तेरे डैडी जो है वो उसके सर पर प्यार कर रहे हैं और मुझे भी पसंद है, मैंने कहा ठीक है अल्लाह की। मियाँ इरफान मनान साहब का सियासी डेरा हर वक्त कारकुनों से भरा रहता है, यकीनन जब आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर कारकुनों से भी रابطہ रहता है, और जो काम जिन लोगों के होते हैं वो भी करने के लिए सियासी डेरे आबाद ही रखना पड़ते हैं। इस वक्त भी मियाँ साहब की अपनी जो सोशल मीडिया टीम है और यहाँ जो इलाके के जो मुख्तलिफ चेयरमैन यूनियन कौंसिल और बहुत सारे दीगर आमायदीन मौजूद हैं, मियाँ साहब से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो सियासतदान और कारकुन का जो रब्ता होता है इसका मौसर होना कितना ज़रूरी होता है। मियाँ साहब माशाल्लाह जब भी कभी देखा आपका सियासी डेरा आबाद होता है तो ये मुश्किल जो रब्ता रहता है कारकुनों के साथ और आपकी जो अपनी टीम है, आज के दौर में और हमेशा इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी पूरी लाइफ? डॉक्टर साहब ये जो रिश्ता कारकुन और सियासतदान का है, सियासतदान खुद एक सियासी कारकुन होता है तो वो बखूबी समझता है कि ये कितना ज़रूरी है इस लिंक को डेवलप रखना। और ये तो मैं समझता हूँ कि जितने हमारे साथी हैं ये हमारी सही मानों में जो हैं ये गज़ा हैं, इनके बगैर हम अपने आप को अधूरा और नामुकम्मल समझते हैं। और ये जो रिश्ता मियाँ मनान साहब ने हमारा घर का इनके साथ जो शुरू हुआ, आज वो तकरीबन दो दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित है। अब ये सियासी ताल्लुक़ पीछे चला गया है, अब इनके साथ एक ज़ाती और घरेलू ताल्लुक बन चुका है। मियाँ अब्दुल मनान साहब की सियासत, मियाँ इरफान मनान साहब उनके साहबजादे हैं, उनकी पॉलिटिक्स आप अरसे से उनके साथी भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं उनकी पॉलिटिक्स के, क्या कहेंगे उनकी सियासत के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मियाँ मनान साहब से डॉक्टर साहब मेरा तकरीबन कोई 40 साल से ताल्लुक है जी, बहुत पुराना जानता हूँ उनकी खिदमात, उनका काम करने का स्टाइल, उससे मैं बहुत मुतासर हूँ और उसी को आगे बढ़ाया मियाँ इरफान मनान साहब ने। मालिक फारूक साहब सोशल मीडिया टीम इस सूबाई हलके के हेड हैं, कुछ उनसे जानते हैं कि उनकी तरजीहात क्या होती हैं। मालिक साहब बताइएगा, आजकल जो सोशल मीडिया टीम को डील कर रहे हैं जी, जी उनका एजेंडा, उनकी जिम्मेदारियाँ बड़ी नाजुक सी होती हैं, बाज़ जमातें तो वो ट्रोलिंग के लिए करती हैं इस्तेमाल सोशल मीडिया को, मुखालफिन को गालियाँ देने पे, और सोशल मीडिया इसी वजह से बदनाम भी काफ़ी है, तो आपको क्या हदायत होती हैं कि मुखालफिन के साथ क्या सलूक करना? सर नहीं, हमें ये नहीं है कि आपने किसी से बदतमीज़ी करनी है, हमने अपना अपने विज़न को आगे ले कर चलना है, और मियाँ साहब और मियाँ मनान साहब भी यही कहते हैं कि हमने किसी को के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। इस्माइल अब्दुल्ला साहब से बात करते हैं, इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं जहां मियां साहब का घर है, वो क्या कहते हैं मियां साहब की सियासत के बारे में, कुछ कहिएगा। इरफान भाई बड़े भाइयों की तरह इनके ट्रीट करते हैं हमें, छोटे भाइयों की तरह शफकत का हाथ रखते हैं ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात सुनते हैं, हमें समझाते हैं कि किस तरह अवाम में आपने किस तरह जाना है और अपने आप को और मुस्लिम लीग नून को नुमाया करना है। यूसुफ शाकिर साहब प्रेसिडेंट हैं यूनियन काउंसिल के मिनोरिटी विंग के, उनसे भी कुछ जानते हैं। शाकिर साहब जी सर, मियाँ इरफान मनान साहब क्या कहें? मियाँ अब्दुल मनान साहब नाल जी साढ़ा 35-40 साल तो पुराना तलक है, असं नून लीग के सिपाही हैं, वर्कर, ये वहां दो डेरा है मियाँ साहब का इरफान साहब का, जदों के 24 घंटे को सानू प्रॉब्लम आई है बरादरी च कोई मसला मसायल तो इंशाअल्लाह ताला सानू भी मिलते हैं। मियाँ साहब सियासत अपनी जगह, इसके साथ साथ यकीनन जो थोड़े बहुत फुर्सत के लम्हात होते हैं इंसान अपनी ज़िंदगी को भी देता है और इसके साथ साथ भी चलता रहता है, जितना तो म्यूज़िक वगैरह, फिल्म, आर्ट, थिएटर, कुछ जगह है इसकी आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल, ज़िंदगी नामुकम्मल है डॉक्टर साहब, जो है फुर्सत के लम्हात के अंदर मौसीकी वैसे ही रूह की ग़िज़ा समझी जाती है, और मौसीकी सुनने का दौरान सफ़र ही टाइम मिलता है, मूवी शूवी देखने का तो अब टाइम नहीं मिलता, तो मॉडर्न एरा है और आजकल आप यूट्यूब के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर आप कोई सीरीज़ देख लें और वो चीज़ें, अब वो सिनेमा वाला तो टाइम ही नहीं है डॉक्टर साहब, सच्ची बात है। तो म्यूज़िक में कौन पसंद है, किसको ज़्यादा सुनते हैं? जी म्यूज़िक जो है हमसे पुराना दौर था, मगर वो इंस्पिरेशन जो है वो एवरग्रीन है, वो तमाम जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए जो है वो एक बेहतरीन, वो गायकी के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं लता जी के गाने वो सुनते हैं, दुराने सफ़र ज़्यादा उन्हीं के ऊपर ही इन्हसार होता है कि पुराने गाने जो हैं वो सुने जा सकें, तो वो सुन लेते हैं। CC63 की तरफ से एक तकरीब है, बहुत ही शानदार इस्तकबाल के लिए जमा है मियाँ इरफान साहब के, इरफान मनान साहब के इस्तकबाल के लिए, आइए तकरीब में चलते हैं। मियाँ इरफान मनान साहब के बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि ही वाज मैन ऑफ कमिटमेंट, ही वाज वेरी सिंसियर विद हिज पार्टी, और आप देखिएगा मुशर्रफ की आमरियत हो या इमरान खान का ये यक तरफा हिसाब, ये हर मियार के पे इंशाल्लाह अपनी पार्टी के अपनी कैद के साथ पूरे रहे। मियाँ शाहिद जुल्फकार की रहायशगाह पर पहुँचे, पीपी 115 के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के, उनके वाले साहब भी हैं, आइए मिलते हैं। CC55 के चेयरमैन उस्मान गुज्जर साहब मौजूद हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी जानते हैं मियाँ इरफान मनान साहब के बारे में, कहिएगा जी इरफान मनान साहब की पॉलिटिक्स। 2013 से 2018 का टेन्योर
अल्लाह पाक ने मियाँ साहब मियाँ इमरान साहब को इज़्ज़त दी, MLA बने हमारे इलाके के। मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके की ये खुशकिस्मती रही है कि इरफान साहब तब चेयरमैन वासा थे, इन्होंने रिकॉर्ड हलके में तरक्याती काम करवाए। PP 115 मुस्लिम जुनून के प्रेसिडेंट हैं शाहिद जुल्फकार साहब, उनकी बातें। इरफान साहब एक लॉयल इंसान है, इनकी मोहब्बत और इनकी गिनाम अगर देखना है तो डंका इनका गिनाम इलाके से जाके पूछें, इलाके में इनका बनता है। और इन्होंने वो काम किए हैं जो मेरा हाल इस पूरे गिनाम पाकिस्तान में मिसाल नहीं है, जो 109 में काम हुए। मियाँ शाह जुल्फकार साहब के वालिद मोहतरम मियाँ जुल्फकार साहब, ये हमारे ख़ानदान का एक फ़ख्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फ़ख्र है, फिर इसके बाद पाकिस्तान का फ़ख्र है। हम बड़ी खुशी से बड़े फ़ख्र से इनका नाम लेते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमारे भाई के बेटे हैं। मियाँ साहब बहुत खूबसूरत बातें हुई, कुछ आप भी कहिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये मेरा अपना घर है, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब का, और एक इनका लंबा अरसा ताजर सियासत में भी गुजरा है, रेलवे रोड के सदर भी रहे और रेलवे रोड के बल्कि किंग मेकर हैं मियाँ जुल्फकार साहब। और PP 115 के हमारे सदर हैं शाहिद जुल्फकार साहब, हमारे चेयरमैन बैठे हैं उस्मान गुर्जर साहब। मैंने घर बैठे भी आपको गुजारिश की थी कि इन लोगों के साथ अब तल्लुक सियासी नहीं रह गया, ये तल्लुक एक फैमिली वाला बन गया है। खुशी गमी बाकी सारे मामलात अब हम सब हमारे सारे इकट्ठे हैं, अब हम सियासत कहीं डॉक्टर साहब पीछे रह गई है, ये जो बॉन्डिंग है तल्लुकात की ये अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे चली गई है। सुसन रोड पहुंचे हैं जहां ख्याम रेस्टोरेंट में हरम क्लास मार्केट के ताजर जमा हैं, कुछ मसाइल हैं उनके, वो सुनते हैं और जानते हैं कि वो क्या किस मकसद के लिए जमा हुए। ये एक ऐसी फैमिली है कि जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, अल्फाज ही नहीं है। मेरे इनके साथ फैमिली टर्म्स हैं और मेरे ख़ानदान के, मेरे बुज़ुर्गों के, हाजी अशरफ भल्ला साहब मरहूम के, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उनके मियां मनान साहब के साथ जो रिश्ता था वो बाप बेटे वाला था। बल्कि वो अक्सर कहा करते थे कि मियां मनान तैनू चाहिए कि तू मेरी विरासत दे विच भी हिस्सेदार हो। मैं इस तरह का उनका अपनाइत का रिश्ता था। अब इनकी जो ताजर खिदमात हैं, बड़े हमने MNA भी देखे, हमारी 1/3 मेजॉरिटी भी रही, हमारा मुस्लिम लीग नून का बड़ा माशाल्लाह तूती भी बोलता रहा, हमने अच्छी हुकूमत भी की इस मुल्क को संवारने के लिए, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा काम भी किया। मगर जो ताजरों की खिदमात मियां मनान साहब ने अंजाम दी वो मेरा ख्याल है किसी MNA या किसी मिनिस्टर के हिस्से में कभी भी नहीं आई और शायद आइंदा भी ना आए। मियाँ इरफान मनान साहब जो हमारे फरजंदे फैसलाबाद हैं और मियाँ मनान साहब, ये ताजरों में और सियासत में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। आप सब दोस्तों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने इज्जत बख्शी, आपने जो है टाइम निकाला। बड़ी अहम बात है मियाँ साहब, बताइएगा कि अभी जो जब गवर्नमेंट गिराई गई है अदम एतमाद के ज़रिए, तो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ था, इख्तलाफ राय था इस बात पर कि इन हालात में जबकि मईशत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है मुल्क, ऐसे में हमें कोई कमज़ोर हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो
आप ये बताइए कि ये तजर्बा कैसा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी नज़र से देखें तो मुस्लिम लीग नून का बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये जो नुकसान हो रहा है फिर आइंदा इलेक्शन अगर जल्दी होते हैं उस पर असरअंदाज नहीं होगा? डॉक्टर साहब, आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो बड़ी जो सियासी पार्टी है और हुक्मरान पार्टी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, और इसका जो पॉलिटिकल कॉस्ट भी मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ेगी। मगर मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है और लीडरशिप पे एतमाद है कि ये चैलेंज समझ के इन्होंने हुकूमत ली है, कोई शौक से नहीं ली। खान साहब के होते हुए मईशत जिस पूरी तरह से सिंक कर गई थी, और जो अशारिये आपको इन्फ्लेशन के, फूड इन्फ्लेशन के आ रहे थे, वो पूरी कौम इससे आगाह है। मैं उस डिबेट में गए बगैर कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 13 में हुकूमत ली थी वाज़े मैंडेट के साथ, मियां नवाज शरीफ ने इनसे बुरे हालात में हुकूमत ली थी, और मुस्लिम लीग नून ने अपने 4 साल के अंदर बट इसको जब आपकी मईशत को खड़ा किया अपने पाँव पर, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 12,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ अपने दौर में आपके नेशनल ग्रिड में शामिल करके गया, 5,000 मेगावाट के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे जो बाद में मटेरियलाइज हुए, 4 साल बाद मियां साहब को घर भेज दिया गया। सही साजिश पाकिस्तान के साथ वो हुई थी डोगर साहब, ये जो साजिश का ड्रामा कर रहा है ये तो अपनी नलायकी छुपाने के लिए कर रहा है। वो स्टूडेंट जो सारा साल तैयारी ना करे, किताब खोल के ना देखे, और साल बाद जब पर्चे में फेल होने का उसको पता हो, यकीन हो, तो वो कहे कि जी मेरे पेट में दर्द है या फलाना मरोड़ है, तो साजिश वो थी। ये इसको तो जो है 4.25 साल जिस तरह का आइडियल माहौल मिला है 74 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, किसी हुक्मरान को वो सपोर्ट नहीं अदारों की मिली जो खान साहब को मिली है, और उसके बाद खान साहब उसके बावजूद एब्सोल्युटली फेल हो गए। पहुंचे हैं सत्याना रोड पर, एक सड़क का इफ्तिताह है। वासा के वाइस चेयरमैन रहे हैं, वासा कभी भी मतलूबा जो एक हमारी रिक्वायर्ड जो ज़रूरियात हैं हमारी उसके मुताबिक वो काम नहीं कर सका, और अब भी सूरत हाल ये है कि 1 अरब से ज़्यादा का नाद हिंदा था फेस्को का इस दौर में जो पीटीआई का दौर गुजरा था, और फिर इन्होंने कुछ बिल दिया, फिर अभी भी 80 करोड़ के लगभग का डिफ़ॉल्टर है। वासा कैसे हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है जबकि वो बुनियादी जो उसकी अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के काबिल नहीं है? तो जो सीवरेज सिस्टम हमारा, इसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पे जो बड़े बड़े मसाइल हैं वासा के हवाले से जो पेश आ रहे हैं लोगों को, इसके हवाले से आपने क्या किया था? सर, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दौर में एक सिंगल पैनी वाजिबुल अदा नहीं था फेस्को फैसलाबाद का, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे थे, सूरत हाल कदरे बेहतर थी, और डॉक्टर साहब हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। हमने एक अच्छी टीम वहाँ पर तरतीब दी थी। बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ पर है? बुनियादी प्रॉब्लम है कि एक तो जो शहर के अंदर मशरूम ग्रोइंग हो रही है, जो स्कैटर्ड क्लस्टर्स जो आबादी के बन रहे हैं वो कंट्रोल करना FDA के डोमेन में आता है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। लोग आधा किलोमीटर दूर जाके या जहाँ पर हमारा नेटवर्क मौजूद है उसे कुछ दूर जाके घर बना लेते हैं, वहाँ आबादी एक नई बन जाती है, वो प्रेशर वासा के ऊपर आ जाता है। वासा को तो पता ही नहीं है कि वासा के इस आबादी के अंदर जो है वो वासा ने वो कैचमेंट एरिया ही नहीं है, तो उसको कैसे कैटर करना है। सूरतबाद पहुँचे हैं, एक सड़क का इफ्तिताह है, आइए।
आज एक और की भी एक सड़क का इफ्तिताह है। आज तो बहुत ज्यादा इफ्तिताह हो रहे हैं, आइए आप करेंगे। गार्डन पहुंचे जहां इरफान मीनान साहब के एजाज में एक डिनर का इस्तेमाल किया गया। जी जी गार्डन में मौजूद हैं हम, और यहां मियां तौफीक साहब जो इसके रूह रवा हैं वो आज के होस्ट हैं, और इस इलाके की इर्द गिर्द की यूनियन काउंसिलों के सरकर्दा अफराद जो चेयरमैन भी हैं, मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, सरकर्दा लोग हैं अपने अपने इलाके की अहम शख्सियात, सियासी शख्सियात, वो सब यहाँ मौजूद हैं। मियाँ तौफीक साहब से मियाँ इरफान मनान साहब के बारे में जानते हैं कि वो उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। मियाँ साहब कहिएगा इरफान मनान साहब के बारे में। जी माशाल्लाह जी, इरफान मनान साहब को हम काफ़ी देर से माशाल्लाह जानते हैं। ये इनके वालिद साहब मियाँ मनान साहब, उनकी बड़ी खिदमात हैं इस इलाके के लिए, और उन्होंने सियासत में माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है। उनके साथ साथ इरफान साहब ने जो दो तीन महकमों में इससे पहले भी सर्व किया है, तो माशाल्लाह जितने भी महकमों में इन्होंने सर्व किया है, या हमारी जब से भी इनसे मुलाकात हुई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इनको सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पॉलिटिशियन पाया है। मियाँ इरफान मनान साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं कि वो यहाँ मौजूद दोस्तों के बारे में कुछ कहें। जी डॉक्टर साहब, आज हमने सारा दिन सिटी 41 के साथ गुजारा, और मैं गाड़ी में भी आपसे बात कर रहा था कि ये जो जितना प्यार है पूरे हलके में आपको नज़र आया, ये सारा मियाँ मनान साहब की वो कारकर्दगी का सबूत है कि जो आपने अपनी आँखों से देखा, और आपकी कैमरे की आँख लोगों को दिखाएगी कि लोगों से अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ताल्लुक़ जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, और उसके अंदर हमने कोशिश की है कि जो लेगेसी मियाँ मनान साहब की आगे लेके चलें तो उसमें नेक नामी का बायस बने और उसमें एडिशन करें। तो इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरे हलके में भी पूरे दिन के अंदर एक्टिविटी जनरेट करवाई, और उन दोस्तों का जो सारे यहाँ पर खाने के मौके पर मियाँ तौफीक साहब मेज़बान जो हैं आज के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। ये थे मियाँ इरफान मनान। सुबह से शाम तक आपने इनकी मसरूफियात देखी, इनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना, यकीनन आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।